अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट बेस्ट फॉर पेट्स की। इसका रिव्यू कैसा है? इसकी डिलीवरी बिल्कुल बेकार है। जैसे मैंने कस्टमर केयर पर बात कही थी कि मुझे डोर टू डोर डिलीवरी चाहिए, बट डोर टू डोर डिलीवरी नहीं मिली। मुझे खुद 10 किलोमीटर जाकर इसको लेकर आना पड़ा है। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग तो अच्छी है। अब अंदर खोल कर देखते हैं कि इसमें जो क्रेप्स मैंने मंगाए हैं वो लाइव हैं या नहीं। वैसे लोग बाग फिश पालते हैं, टर्टल पालते हैं, मैंने मंगाए हैं क्रेप। क्रेप का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने इससे पहले कभी क्रेप नहीं पाले। पहली बार मैं क्रेप पालने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है क्रेप का। फिशेज वगैरह तो मैंने काफ़ी पाली हैं और क्रेप मैं पहली बार पाल रहा हूँ। पैकिंग काफ़ी हार्ड है, इसे मैं इजीली से खोल रहा हूँ जिससे क्रेप को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई हार्म ना पहुँचे। मैं आसानी से इस पैकिंग को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी मैंने इनके लिए कोई सेटअप भी तैयार नहीं करा है। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेटअप तैयार करूँगा, इनके लिए अच्छा सा एक सेटअप तैयार करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इस बाउल के अंदर इन्हें कुछ दिन के लिए इसमें रखूँगा और इसके बाद मैं इनका जल्दी ही एक सेपरेट टैंक बनाऊँगा जिसमें ड्राई एरिया के साथ कुछ वाटर का एरिया भी रखूँगा और कुछ लाइव प्लांट भी लगाऊंगा और कुछ रॉक भी ऐड करूंगा। तो ओपन हो चुका है हमारा बॉक्स, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये कुछ चिकलेट के लिए फिश फूड का सैंपल दिया है इन्होंने, चिकलेट के स्पेशल फूड जो कलर वगैरह ग्रो फास्ट करने के लिए हैं। और अब देखते हैं इसके नीचे क्या है। ये खाली गत्ता है। ये रहा हमारा फर्स्ट क्रेप, देखने में कुछ ढीला सा लग रहा है लेकिन लाइव है, अभी बिल्कुल लाइव है लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में लग रहा है और ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रहा, बिल्कुल ढीला हुआ पड़ा है, कुछ एक्टिव नहीं है, हो सकता है डेड भी हो जाए। अब इसे ओपन करके देखते हैं। ये इसे ओपन करते हैं और इसे ओपन करके देखते हैं, तो इसे काट के ही निकालना पड़ेगा। रबड़ खोलना आसानी से नहीं खुल रही है रबड़, तो इस पैकिंग को अब हम इस ब्लेड के मदद से काटते हैं, फिर देखते हैं इसकी कंडीशन अंदर से क्या है। पॉलोथीन के अंदर तो ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा, काफ़ी ढीला हुआ पड़ा है, जैसे बीमार कमज़ोर। अब इसे निकाल कर देखते हैं, हाथ में लेके मैं आपको दिखाता हूँ। इसे कुछ डर भी लग रहा है मुझे हाथ में लेते में, इससे पहले मैंने ले लिया। देखो कलर भी पूरी तरह से इसके उड़ चुके हैं और थोड़ा बहुत एक्टिव, हल्का सा एक्टिव है लेकिन कलर पूरी तरीके से उड़ चुके हैं और साइज में भी काफ़ी छोटा है। तो अभी इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ओह मुझे काफ़ी मुझे डर सा लग रहा है, कहीं मेरे काट ना ले ये। उसमें इन्हें डालते हैं और मैंने पहली बार हाथ में लिए हैं तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है, तो मैं इन्हें छुड़ाने की कोशिश करता हूँ इसे पानी में डालने के लिए। तो ये आसानी से मेरे हाथ से जा नहीं रहा है पानी में, तो दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता हूँ मैं इसे हटाने के लिए, और ये हटा दिया मैंने इसे। तो अब दूसरे को भी देखते हैं, इसकी भी सेम कंडीशन वैसी ही, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, और मुझे साइज में पहले वाले से भी काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है। चलो पॉलीथीन को काट कर इसे भी देखते हैं कि ये किस कंडीशन में है। तो इसे बाहर निकालते हैं पॉलीथीन से, तो ये भी आ गया बाहर। तो ये भी देखिए पहले वाले से कलर कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं इसके, और पैटर्न भी पहले वाले से ज़्यादा नज़र आ रहा है इस पर, लेकिन पहले वाले से साइज में काफ़ी छोटा है ये। अब देखते हैं इसे भी कितना एक्टिव है ये। एक्टिव तो उतना ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें, काफ़ी सुस्त नज़र आ रहा है ये भी, लेकिन पैटर्न इसके कुछ ज़्यादा बेहतर है उससे पहले वाले से, पहले वाले इसके मुकाबले इसके पैटर्न काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं। चलो इसे पानी में डालते हैं। तो अब इस वेबसाइट को रिव्यू देने का नंबर, तो मैं इस वेबसाइट को 5 में से 1 स्टार दूंगा, क्योंकि ना तो इनकी डिलीवरी अच्छी थी और ना ही इनके जो पेट्स मेरे पास आए ये भी कोई ख़ास नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।